रेलवे स्टेशन चिकन बिरयानी वाला। मोहनदास का एक बिरयानी का होटल था। मोहनदास होटल की कमाई से ही अमीर बन जाता है। उसकी एक लड़की होती है रूपा। मोहनदास अमीर होने के बाद भी दिल से बहुत अच्छा रहता है, पर रूपा को पैसों का घमंड होता है। रूपा सबसे बदतमीजी से पेश आती थी। एक बार वो कार लेकर गांव से तेजी से जा रही थी कि उसकी कार से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। तब रूपा उस औरत की मदद करने के बजाय उसे कहती है, अरे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता तो रास्ते पर आती ही क्यों हो? जानबूझकर कार के सामने आकर अमीर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हो। तुम गरीब लोग पता नहीं कब सुधरोगे। अब ये लो पैसे बुढ़िया और जा यहाँ से। बेटा, पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अपना ये पैसों का घमंड छोड़ दो, नहीं तो एक दिन रास्ते पर आ जाओगी बिल्कुल मेरी तरह। बूढ़ी औरत पैसे लेने से मना करती है और वहां से चली जाती है। इस तरह रूपा हमेशा गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करने लगी थी। मोहनदास रूपा के इस बर्ताव से परेशान हो गया था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, पर रूपा उसे भी पलट कर ही जवाब दिया करती थी। ऐसे में एक दिन मोहनदास होटल में बैठा था कि तभी वहां प्रशांत नाम का एक लड़का आता है और वो मोहनदास से काम मांगता है। तब मोहनदास कहता है, ठीक है, आज ही एक नौकर काम छोड़कर चला गया है, तुम उसकी जगह पर काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा और ग्राहकों से अच्छे से बात करना होगा, समझे ना? प्रशांत एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो मोहनदास की हर बात मानने लगता है। प्रशांत हर काम बड़े ही दिल लगाकर करने लगा। पैसों की हेराफेरी तो वो कभी भी नहीं करता। उसका यह स्वभाव देखकर मोहनदास एक दिन सोचता है, अरे वाह, प्रशांत कितना अच्छा लड़का है, रूपा के लिए एकदम सही रहेगा ये। रूपा की शादी मैं प्रशांत के साथ ही करूंगा, तभी मेरा ये होटल बचा रहेगा और मेरी बिगड़ेल बेटी भी सुधर जाएगी। मोहन धीरे धीरे प्रशांत को चिकन बिरयानी बनाना भी सिखाता है, उसके हाथों में होटल का सारा कारोबार संभालने के लिए देता है। लेकिन यह बात रूपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने पिता को भला बुरा कहती है और प्रशांत को काम से निकालने के लिए कहती है। तब मोहनदास कहता है, नहीं नहीं रूपा, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी जायदाद में से हिस्सा चाहिए तो तुम्हें प्रशांत से शादी करनी होगी, क्योंकि मैंने मेरी सारी संपत्ति और होटल प्रशांत के नाम कर दिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह सब सुनकर रूपा तो नाराज ही हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, पिताजी ने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब जायदाद के लिए उस मामूली गरीब प्रशांत से शादी करने का नाटक करना होगा। तब रूपा प्रशांत से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि ऐसे में एक दिन मोहनदास को हार्ट अटैक आता है और वो मारा जाता है। फिर क्या, उसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद रूपा अपना असली रूप दिखाने लगती है। एक दिन होटल में जाकर रूपा प्रशांत से कहती है, सुनो प्रशांत, आज से होटल मैं संभालूंगी, तुम बस चिकन बिरयानी बनाकर दिया कर। और हाँ, आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म, मैं तुम्हारी मालकिन और तू मेरा नौकर। रूपा का नाटक समझने में प्रशांत को देरी नहीं लगती। रूपा बात बात पर प्रशांत का अपमान करने लगती है। रूपा का बर्ताव प्रशांत को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है, मैं ये सारी संपत्ति और होटल तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ रूपा। ये होटल तुम्हारे पिता ने बड़ी ही मेहनत से बनाया है, इस होटल को अपने घमंडी स्वभाव के कारण बंद मत होने देना। प्रशांत जायदाद के पेपर रूपा को देकर वहां से चला जाता है। रूपा तो खुशी से नाचने ही लगती है। तब प्रशांत दूसरे गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन आता है, तभी वहां कुछ आदमी बातें कर रहे थे। अरे यार, इस रेलवे स्टेशन पर ना चाय ढंग का मिलता और ना ही नाश्ता, खाना तो दूर की ही बात है, काश यहाँ चिकन बिरयानी मिलती तो कितना अच्छा होता। ये बात प्रशांत सुन लेता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रशांत खुद घर में चिकन बिरयानी बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगता है। उसके हाथ की बनी चिकन बिरयानी सभी को बहुत पसंद आने लगती है। प्रशांत धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर चिकन बिरयानी बनाकर अच्छे पैसे कमाने लगता है। इधर रूपा घमंड में नौकरों से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। तब सारे नौकर धीरे धीरे करके काम छोड़कर चले जाते हैं।
अरे जाओ जाओ, नौकर होकर भी बड़ी अकड़ दिखा रहे हैं। चिकन बिरयानी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद आज चिकन बिरयानी बनाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रूपा खुद चिकन बिरयानी बनाने की कोशिश करती है, पर जिस काम को वो आसान समझ रही थी वो उसे कर ही नहीं पाती। उसके पास कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से रूपा होटल बेचने का सोचती है। तब प्रशांत सामने आकर वो होटल खरीदता है और वो रूपा से कहता है, रूपा आज से इस होटल का मालिक मैं हूँ। कल तुमने मुझे गरीब नौकर कहा था, पर मालिक के देन से मैं आज इतना पैसा कमा पाया कि यह होटल मैंने खरीद लिया। तुम उनकी बेटी होकर भी कुछ नहीं कर पाई, तुम्हें तो इस बात की शर्म मानी चाहिए। प्रशांत रूपा को उसकी गलती दिखाता है और उसे उसकी गलती का एहसास भी होता है, और तब वो प्रशांत से माफी मांगती है। प्रशांत भी बड़े दिल से उसे माफ करता है। पोटैटो चिप्स वाला केदार बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे अपना खुद का व्यापार शुरू करना था, लेकिन घर की हालत उसके बड़ी ही खराब थी। वो अपने व्यापार के लिए बैंक से कर्जा लेने का ठान लेता है। वो व्यापार का प्रपोजल बनाकर बैंक में घूमता है। घर में केदार के पिताजी उसके ऐसे घूमने की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं। एक दिन वो कहते हैं, अरे केदार, ये क्या लगा रखा है कि व्यापार ही करेगा? व्यापार के लिए ना घर में पैसे है और ना ही गिरवी रखने के लिए कुछ। यू कब तक बैंकों के चक्कर काटते रहोगे बेटा? ये सब छोड़ो और मेरे साथ काम पर चलो कल से। ये क्या जी, उसे व्यापार करना है तो कोशिश करने दीजिए। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना होगा। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, पर हमारे पास हौसला तो है ना। ऐसा कहकर केदार की माँ उसे दिलासा देती रहती है। एक दिन केदार उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। दिन भर बैंक के चक्कर काटने की वजह से उसे भूख भी लगी थी। तभी वहां सुधाकर नाम का पोटैटो चिप्स वाला आता है। पोटैटो चिप्स ले लो, पोटैटो चिप्स। तब केदार सुधाकर को बुलाकर कहता है, सुनिए चाचा जी, जरा एक पॉकेट देना। कितने का है ये पॉकेट? बेटा 10 रुपए का है ये लो। केदार उसे 10 रुपए देकर पोटैटो चिप्स खरीद कर खाने लगता है। उसे उन पोटैटो चिप्स का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद केदार को फिर से रास्ते में सुधाकर दिखाई देता है। वो बचे हुए पोटैटो चिप्स को गरीब लोगों में बांट रहा था। तब केदार सुधाकर के पास जाकर कहता है, अरे चाचा जी, आप ये इतने अच्छे चिप्स गरीबों में क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। शाम तक जितने भी चिप्स बच जाते हैं मैं वो फेंकने की बजाय गरीबों में बांट देता हूँ। दूसरे दिन फिर से अपने हाथों से फ्रेश चिप्स बनाकर बेचता हूँ। केदार सुधाकर की ये बात सुन के बहुत ही प्रभावित होता है। रात भर वो इसी सोच में रहता है, मैं मेरा व्यापार ऐसे छोटे छोटे व्यापार से बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए तो ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कल ही चाचा जी से बात करता हूँ, मेरे पास पोटैटो चिप्स का व्यापार करने का अच्छा आइडिया आया है। ये सोचकर दूसरे दिन केदार सुधाकर के घर जाता है। सुधाकर घर में अपने हाथों से चिप्स बना रहा था। घर के बाहर तक चिप्स की महक आ रही थी। तब केदार सुधाकर से कहता है, चाचा जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आपको यूं घूम घूम कर पोटैटो चिप्स बेचना नहीं पड़ेगा और हम हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस आप चिप्स बना कर दीजिए और जितना भी मुनाफा आता है उसमें 10% मुझे दीजिए। इस तरह सुधाकर भी केदार की बात मानता है। केदार पहले दिन चिप्स के पॉकेट गांव में हर एक जगह पर बेचता है। उस दिन पूरे चिप्स पॉकेट बिक जाते हैं। सुधाकर 10% के हिसाब से उसे पैसे देता है। उस दिन के जितने भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो चिप्स के लिए अच्छी पॉकेट खरीदता है। दूसरे दिन उन पॉकेट्स में चिप्स भर कर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकान के मालिक से कहता है, सुनिए दुकानदार साहब, ये मेरे चिप्स के पॉकेट है, आप इसे अपने दुकान में बेचिए। समझिए कि ये सैंपल पीस है, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े कंपनी के चिप्स पॉकेट कोई नहीं खरीद रहा, तो तुम्हारा ये चिप्स कौन खरीदेगा? लेकिन तुम इतना कह रहे हो इसलिए मैं रखता हूँ, देखता हूँ कितना बिकता है या नहीं। ऐसा कहकर दुकानदार वो चिप्स के पॉकेट अपनी दुकान में रख लेता है। केदार दूसरे दिन फिर से उसी दुकान में जाता है। तब दुकानदार कहता है, अरे भाई, एक ही दिन में सारे के सारे चिप्स के पॉकेट बिक गए,
लोगों को तुम्हारे चिप्स का स्वाद बहुत पसंद आया। तुम्हारे चिप्स की तो डिमांड बढ़ गई है। ये लो भाई पैसे और मुझे और ज्यादा चिप्स के पैकेट ला दो। बस केदार को भी यही चाहिए था। ये सुनकर केदार बहुत खुश हो जाता है और सुधाकर को सारी बात बताता है। सुधाकर अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक मजदूर को रखता है। वो उन्हें चिप्स बनाना सिखाता है। केदार दुकान दुकान जाकर चिप्स के ऑर्डर लेने लगता है। देखते ही देखते उनका चिप्स का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है और साल भर में ही केदार की पोटैटो चिप्स बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, जिसकी डिमांड शहर से तो क्या विदेश से भी आने लगती है। इस तरह केदार सुधाकर को अपने साथ अपने बड़े घर में रखता है। उसके माँ बाप भी केदार की इस तरक्की से बहुत खुश हो जाते हैं।